नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू लाइफ क्लासेस। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में, स्लेव डायनेस्टी जिसका फाउंडर रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम रहता है, और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में और 1290 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है, ठीक है, गुलाम वंश का। उसके बाद हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसी से आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बलबन का पोता जो रहता है कैमूर, वह गद्दी जब संभालता है तो उसी की हत्या करके मलिक फिरोज नामक एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, वही हत्या करके फिर खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, जो कि चलेगा आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। तो चलिए खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी वंश, जो कि आपका चलेगा 1290 से 1320। यह दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश है, ठीक है। पहला वंश 1206 से 1290 तक हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में, जिसका फाउंडर रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। हमने यह बातें की थी पिछले वीडियो में, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक किसने, किस वंश ने, किस डायनेस्टी ने शासन किया, तो वह था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने केवल 30 वर्षों तक शासन किया, 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है, 30 वर्षों तक ही शासन किया। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा था और साथ ही साथ इसका दामाद भी था। वह सबसे प्रभावशाली शासक था इस वंश का, ठीक है। तो चलिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम भी आपसे पूछा जाता है। इसका वास्तविक नाम था, एक्चुअल नेम इसका था, वास्तविक नाम इसका क्या था, चलिए जान लेते हैं, मलिक फिरोज, ठीक है। जब इसने सत्ता संभाली उससे पहले इसका नाम था मलिक फिरोज, और जब यह गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर किस नाम से बैठा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से, ठीक है। गद्दी पर यह बैठा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से, उससे पहले इसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज ने ही कैमूर की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद जब यह गद्दी पर बैठा तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 1293 में। 1293 में इसने देवगिरि पर आक्रमण किया, ठीक है। देवगिरि कहाँ पर है, देवगिरि आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में देवगिरि है, जहां का शासक था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, ठीक है, शासक था यहाँ का रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, ठीक है। देवगिरि पर इसने आक्रमण किया 1293 ईस्वी में, और वहां पर इसने संधि कर ली रामचंद्र देव के साथ, दोनों में मित्रता भी हो गई, ठीक है। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए मैंने स्टार भी लगा दिया है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में पड़ता है, और यह दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में मुस्लिमों का पहला आक्रमण माना जाता है, मुस्लिमों का, ठीक है, मुस्लिमों का दक्षिण में पहला आक्रमण माना जाता है, दक्षिण में पहला आक्रमण था, फर्स्ट अटैक था, ठीक है। तो यह दक्षिण भारत में फर्स्ट अटैक था, ठीक है, जो कि देवगिरि पर किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है। तो यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो देवगिरि का शासक कौन था उस समय, रामचंद्र देव, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही दामाद हुआ करता था, दामाद और साथ ही साथ इसका भतीजा भी था, ठीक है, दामाद और भतीजा दोनों था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। पद्मावत मूवी में आप लोगों ने देखा होगा इसके बारे में, अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी तो पद्मावत मूवी जरूर देखी होगी, उसके बाद उसमें आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और खिलजी वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो यह इसी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा और दामाद था, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही टाइम में, ठीक है, और उसी को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को इसने भेजा था। मंगोलों का चौथी बार भारत में आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ था किसके टाइम में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, या हम कह सकते हैं मलिक फिरोज के टाइम, ठीक है, मलिक फिरोज के टाइम चौथी बार आक्रमण हुआ। यह मंगोलों का आक्रमण कौन सा था, चौथी बार इंडिया में, चौथी बार, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पर तीसरी बार। हमने बात की थी बलबन पर आखिरी बार आक्रमण किया था मंगोलों ने, जिसमें बलबन के बेटे की मृत्यु हो जाती है और पुत्र वियोग में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। बलबन जो कि सबसे क्रूर शासक था, लेकिन जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है मंगोलों के आक्रमण में, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है पुत्र वियोग में। हमने यह पिछले वीडियो में पढ़ा था जब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मंगोलों ने जब तीसरी बार आक्रमण किया था बलबन के टाइम में, ठीक है, और सबसे पहली बार आक्रमण कब किया था, इल्तुतमिश के टाइम में, लेकिन वह दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं था, वह आक्रमण किया था उन्होंने सिंध पर, और वहीं से लौट गए थे, ठीक है, चंगेज खान ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो मंगोलों का आक्रमण यह चौथी बार था, लेकिन इसमें मलिक फिरोज ने भेजा किसको, अलाउद्दीन खिलजी को इस आक्रमण को रोकने के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही वीरता से इसका सामना किया मंगोलों का, और मंगोलों को भगाया, ठीक है, और बहुत ही वीरता का परिचय दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे मलिक फिरोज या फिर हम कहें कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही प्रभावित हुआ अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। और आपको यह ध्यान देना है, मंगोल जो है भारत तो गए, ठीक है, यह कहां से थे, मंगोलिया से, मंगोल आक्रमणकारी कहां से थे, मंगोलिया से, यह बहुत भाग तो गए सैनिक, लेकिन 2000 सैनिक जो थे, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है, 2000 जो सैनिक थे वह लौट करके नहीं गए, और उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से भारत में ही या दिल्ली में रहने के लिए ही स्थान मांगा, ठीक है, दिल्ली में रहने के लिए ही स्थान मांगा, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन्हें स्थान देने के लिए कहा भी, लेकिन उसकी एक शर्त थी। शर्त क्या थी, इसने कहा कि आप लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए, ठीक है, तो इसने इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए कहा, तो इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो 2000 जो मंगोल सैनिक थे, ठीक है, यह 2000 मंगोल सैनिक थे, उनके लिए दिल्ली में मुगलपुर, ठीक है, मुगलपुर नामक शहर बसाया किसने, दिल्ली में ही मुगलपुर नामक शहर बसाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और 2000 मंगोल सैनिकों को इस्लाम धर्म जब कबूल कर लिया इन्होंने, ठीक है, इस्लाम धर्म जब इन्होंने कबूल कर लिया, तो इनके लिए एक शहर बसाया मुगलपुर, और इनके दिल्ली में बसने का ही इंतजाम कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2000 सैनिक इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, और यही इस्लाम धर्म जब इन्होंने कबूल कर लिया तो यह लोग नवीन मुसलमान कहलाए, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा भी गया है, ठीक है। तो यह नवीन मुसलमान कहलाए, 2000 जो मंगोल थे इन्होंने जब इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पर, तो यही लोग नवीन मुसलमान कहलाए, ठीक है। क्वेश्चन यह बनता है कि यह इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले किस धर्म के अनुयायी थे या किस धर्म को मानते थे, तो यह लोग इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद हमको याद रखना है इसके टाइम पीरियड में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1296 ईस्वी में ही 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से 1296 तक इसने शासन किया। उसके बाद 1296 में इसी का ही भतीजा और दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद अब पढ़ने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। दोस्तों, हमने जाना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसकी हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी,
उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और खुद को सुल्तान घोषित करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर खिलजी वंश क्वेश्चन बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। या फिर इसी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो जरूर से जरूर अमीर खुसरो से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो चलिए, अमीर खुसरो से पहले हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महान शासक था, और जब इसने अपने चाचा जान यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, या अपने ससुर की हत्या की, उसके ससुर भी थे, तो इसने बहुत परोपकारी कार्य किए, क्योंकि यह जानता था कि दिल्ली की जनता जो है वह मुझे माफ नहीं करेगी क्योंकि मैंने अपने चाचा की हत्या की है। तो जब इसने हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया तो शुरू शुरू में इसने बहुत ही परोपकारी कार्य किए, ठीक है, जिससे कि जनता को लगे कि मैं बहुत ही अच्छा सुल्तान बनूंगा, ठीक है। तो इसने बहुत ही परोपकारी कार्य किए, और एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम आपसे पूछा जा सकता है, अभिलेख का नाम है जोधपुर अभिलेख, ठीक है, जोधपुर अभिलेख। और यह अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है, और इसमें यह लिखा गया है कि बलबन के अत्याचारों से जिस तरह से जनता त्रस्त थी, बलबन जो गुलाम वंश का शासक था, उसने जितने सारे अत्याचार किए थे, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी दिल्ली की जनता पर शासन करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे हत्याएं की थी, तो उसी तरीके से जोधपुर अभिलेख में यह लिखा है कि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने देव तुल्य कार्य किए, जैसे देवता लोगों पर परोपकार करते हैं उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने परोपकारी कार्य किए। ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि अपने चाचा की हत्या करके इसने सुल्तान की गद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है। तो शुरू शुरू में इसने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यह जो है विस्तारवादी हो गया, और इसने राजाओं पर मतलब युद्ध भी किए, और यह जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो अब यह जो है उत्तर भारत यानी कि दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ अभियान चलाएगा और दक्षिण भारत में आक्रमण करेगा, और इसका सबसे अच्छा साथी बनेगा मलिक काफूर। मलिक काफूर जिसको इसने 1000 दिनार में खरीदा था, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि 1000 दिनारी किसको कहा जाता है। तो इसी का सेनापति था जिसको इसने खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक है, मलिक काफूर को। चलिए, तो जोधपुर अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, ठीक है। तो मलिक काफूर से पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसी का एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन अमीर खुसरो से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसीलिए उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जो कि इसी का दरबारी कवि था, दरबारी कवि था, और इसी को तोता ए हिंद कहा जाता है, ठीक है, तोता ए हिंद कहा जाता है। आई बात समझ में, अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को तोता ए हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु जो है वह 1243 में हुआ था, और मृत्यु जो है वह 1325 में हुई थी, ठीक है। वैसे खास करके आपको जन्म और मृत्यु नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने लिख दिया है, अगर आपको जानना हो तो आप जान सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 1283 में उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले में, ठीक है। तो एटा में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में, ठीक है। इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने ही सितार और तबला
का आविष्कार किया था, सितार और तबला का आविष्कार इन्होंने ही किया था, अमीर खुसरो ने। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इसने ही, अमीर खुसरो ने ही सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत के सबसे अधिक सुल्तानों का शासन काल देखा है। गुलाम वंश के शासक बलबन से लेकर के तुगलक वंश के शासक तक के 5 सुल्तानों का इसने शासन काल देखा है। ठीक है, इसने ही कव्वाली गायकी को बनाया। ठीक है, कव्वाली गायकी को किसने बनाया? इसने कव्वाली गायकी का आविष्कार, या कहें कि सबसे पहले कव्वाली गायकी को का जनक कौन है, तो यही है अमीर खुसरो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा था? पैराडाइज ऑफ अर्थ, कश्मीर को इन्होंने ही कहा था। तो कश्मीर को इन्होंने धरती पर स्वर्ग कहा था, कश्मीर को धरती का स्वर्ग इन्होंने ही कहा था, धरती का स्वर्ग। ठीक है, कहा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को सुल्ताने जहां की उपाधि दी थी। ठीक है, सुल्ताने जहां की उपाधि किसने दी थी? सुल्तान ए जहां की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को सुल्ताने जहां की उपाधि अमीर खुसरो ने ही दी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी को सुल्ताने जहां की उपाधि अमीर खुसरो ने दी थी। कश्मीर को धरती का स्वर्ग सबसे पहले अमीर खुसरो ने कहा। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। कव्वाली गायकी का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। इनको तोता ए हिंद कहा जाता है और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 5 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, बलबन से लेकर के तुगलक वंश के शासक तक के कार्यकाल को इसने देखा। अमीर खुसरो के गुरु थे दिल्ली के एक प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो चलिए अब आगे हम इससे पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे इन्हीं के, अलाउद्दीन खिलजी के ही एक दरबारी कवि अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को अभी हम पढ़ रहे थे, अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को बारे में मैंने काफी कुछ आपको बताया। इसके एक गुरु थे, कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहुत ही प्रसिद्ध एक सूफी संत थे, दिल्ली में ही रहते थे और इनके परम भक्त थे कौन? अमीर खुसरो। इतना इनको मानते थे कि इतने इनके मतलब प्रिय शिष्य थे और इतना इनको पसंद करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, कि जब इनकी मृत्यु हुई और इनका मकबरा बना दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है, टॉम्ब कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मकबरा इनका कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया और इनको इतना पसंद करते थे अमीर खुसरो कि इन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे गुरु के पास ही मुझे भी दफना दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। जब अमीर खुसरो की मृत्यु हुई कब? 1325 ईस्वी में। तो जैसा इनकी आखिरी इच्छा थी उसी के अनुसार इनको दफनाया गया निजामुद्दीन औलिया के ही बगल में। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको दफनाया गया उन्हीं के बगल में। और आपको ध्यान देना है, मुगल काल का एक शासक, ठीक है, बाबर का ही बेटा, जब मैं मुगल काल पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल में बताऊंगा, बाबर का ही बेटा था हुमायूं। हुमायूं भी निजामुद्दीन औलिया का इतना डाई हार्ट फैन था, ठीक है, बहुत ही अधिक मानता था उनको, कि इसकी भी आखिरी इच्छा थी कि मेरी भी जो मकबरा है, जब मेरी मृत्यु हो तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ही मुझे दफनाया जाए। और इसकी भी आखिरी इच्छा को पूरा किया और हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ही इसका भी मकबरा है। तो तीनों लोगों का मकबरा एक साथ है दिल्ली में ही। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी कवि था, उसके बारे में हमने पढ़ा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आ जाते हैं फिर से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि शासक तो वही था खिलजी वंश का। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और ज्यादा कुछ पढ़ लेते हैं, अलाउद्दीन
खिलजी इम्पोर्टेंट शासक है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी छोड़ना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, चलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने 1298 ईस्वी में गुजरात मिशन की शुरुआत की, गुजरात मिशन को प्रारंभ किया। यह चाहता था कि मेरा साम्राज्य दक्षिण में भी फैले, तो इसने गुजरात मिशन की शुरुआत की और गुजरात मिशन में ही इसने मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर नामक एक व्यक्ति था, ठीक है, उसको खरीदा कितने में, 1000 दीनार में। ठीक है, यहीं पर गुजरात अभियान के दौरान ही 1998 में गुजरात अभियान की शुरुआत की, गुजरात मिशन की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहीं गुजरात मिशन के दौरान ही मलिक काफूर को इसने 1000 दीनार में खरीदा और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहते हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, 1000 दीनारी किसको कहते हैं, मलिक काफूर को। ठीक है, तो यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मलिक काफूर इतना मतलब कि प्रतिभाशाली था, इतना अच्छा था, सेनापति इसको बना लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का कौन बना इसके बाद, ठीक है, कमांडर इन चीफ बना लिया किसको, मलिक काफूर को, जिसको कि इसने 1000 दीनार में खरीदा था। तो मलिक काफूर को इसने सेनापति बना लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और अब इसने जितने भी अभियान चलाए दक्षिण में या फिर कहीं और, ठीक है, वैसे तो इसके बाद इसने सभी अभियान जो है दक्षिण में ही चलाए क्योंकि यह दक्षिण भारत के राज्यों को जीतना चाहता था, तो उसके बाद इसने सभी अभियानों का संचालन जो है मलिक काफूर को ही सौंपा। ठीक है, उसके बाद सभी अभियानों का सेनापति कौन होता था, मलिक काफूर, लेकिन आपको याद रखना है केवल एक अभियान ऐसा था जिसका संचालन इसने स्वयं किया, वह कौन सा था, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का अभियान, आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, उसमें इसका जिक्र भी है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का अभियान जो है उसका संचालन इसने स्वयं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और बाकी जितने भी अभियान थे उसको इसने संचालन सौंपा था मलिक काफूर को, और मलिक काफूर सभी अभियानों को जीतता भी था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का मिशन क्या था। चित्तौड़गढ़ की महारानी हुआ करती थी रानी पद्मावती, वह बहुत ही सुंदर थी और उनको हासिल करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, और इसीलिए उसने आक्रमण भी किया था चित्तौड़गढ़ पर। और चित्तौड़गढ़ के बारे में इस मिशन की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इस मिशन की इस बारे में हमें जानकारी मिलती है पद्मावत नामक उपन्यास से। पद्मावत जो है एक उपन्यास है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है। ठीक है, इस अभियान के बारे में, और यह पद्मावत जो उपन्यास है इसको लिखा किसने है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ अभियान की जानकारी हमें मिलती है एक उपन्यास से, पद्मावत नामक उपन्यास है जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और ऐसा नहीं है कि उसने उसी टाइम लिख दिया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही, नहीं, यह घटना घटित हुई है 1303 ईस्वी में। ठीक है, यह घटना घटित है 1303 ईस्वी में, लेकिन यह उपन्यास लिखा गया है कब, यह लिखा गया है 1540 से लेकर के 45 के बीच, और आपको पता है इस टाइम में तो किसका शासन था, शासन था शेर शाह सूरी का। ठीक है, शेर शाह सूरी का सूर्यवंश चल रहा था उस समय इंडिया में, और उस टाइम में यह उपन्यास लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। घटना है 1303 की, और उसके कई सालों बाद, लगभग 300 सालों के बाद, 300 क्या, लगभग 400 सालों के बाद यह उपन्यास लिखा गया। दोस्तों, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में दक्षिण अभियान की शुरुआत की, दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत की। ठीक है, दक्षिण भारत अभियान की इसने शुरुआत की, यह दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। ठीक है, और इसने इस मिशन पर भेजा किसको, मलिक काफूर को ही। ठीक है, मलिक काफूर जिसको इसने खरीदा था, ठीक है, और अपना सेनापति बनाया था।
तो इसने इसको उसका संचालन भी सौंपा। ठीक है, मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत अभियान का सेनापति चुना गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और 1308 ईस्वी आपको याद रखना है, 1308 में यह पहुंचा तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में यह पहुंचा और तेलंगाना की राजधानी उस समय हुआ करती थी वारंगल। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल, और यहां का राजा हुआ करता था प्रताप रुद्र देव। यहां का राजा हुआ करता था प्रताप रुद्र देव। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां का राजा था प्रताप रुद्र देव। ठीक है, 1308 ईस्वी में मलिक काफूर जब दक्षिण भारत अभियान के मिशन पर था तो 1308 ईस्वी में यह तेलंगाना पहुंचा जिसकी राजधानी थी वारंगल, और यहाँ का राजा हुआ करता था प्रताप रुद्र देव, और इसने इसको हरा दिया, मलिक काफूर ने इसको हरा दिया और इससे बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा प्राप्त किया, और यहीं से इसको पहली बार कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। ठीक है, कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई। तो आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन बनेगा, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ किसको, मलिक काफूर को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कोहिनूर हीरा जो है सबसे पहले किसको मिला, तो दक्षिण भारत अभियान पर जब था मलिक काफूर तो उसको मिला था। ठीक है, और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत पर कौन सा शासक ऐसा था जिसको सबसे पहली बार कोहिनूर हीरा मिला, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि मलिक काफूर को जब यह हीरा मिल जाता है तो वह ला करके किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी ही वह शासक था जिसको कि सबसे पहली बार कोहिनूर हीरा मिलता है। ठीक है, और वह कहां से मिलता है, तेलंगाना के वारंगल जिसकी राजधानी थी, और कौन सा राजा वहां पर राज कर रहा था, प्रताप रुद्र देव। तो इसी अभियान पर, दक्षिण भारत अभियान पर जब था मलिक काफूर तो वहीं से उसको कोहिनूर हीरा मिलता है। ठीक है, उसके बाद वह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है क्योंकि वह तो अभियान पर था, तो उसके बाद वह चला जाता है कहां, रामेश्वरम। रामेश्वरम पहुंचता है और रामेश्वरम के आगे उसे समुद्र दिखाई देता है, और मलिक काफूर को लगता है कि वह पूरे दुनिया को जीत चुका है क्योंकि उसने समुद्र को देख लिया, तो उसको लगता है कि अब मैंने पूरे दुनिया को जीत लिया है, और इसीलिए, और यह संदेशा वह पहुंचाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि देता है, टाइटल इसने अपने आप को क्या दिया, टाइटल दिया सिकंदर ए सानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि स्वयं को देता है, अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता है क्योंकि यह अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि इतिहास में दूसरा सिकंदर कौन कहलाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि रामेश्वरम पहुंचकर मलिक काफूर समझता है कि इसने पूरे विश्व को जीत लिया है, और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि देता है और दूसरा सिकंदर अपने आप को घोषित करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको याद रखना है 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा जो है वह गद्दी पर बैठता है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका बेटा था मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है, नाम मात्र के लिए गद्दी पर बैठता है क्योंकि इसकी जगह पर शासक तो कौन कर रहा था, उसी का सेनापति मलिक काफूर। तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इसी का बेटा गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यह एक पागल सुल्तान था। ठीक है, 1316 में ही यह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1316 में ही यह गद्दी पर बैठता है और अगला सुल्तान बनता है खिलजी वंश का। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह एक पागल सुल्तान था। ठीक है,
क्योंकि यह जब गद्दी पर बैठता था, जब दरबार में आता था, तो यह महिलाओं के कपड़े पहन करके आ जाता था, ठीक है। और इसी का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने, अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यह एक पागल सुल्तान था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। यह खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा कौन होते थे, मैंने आपको बताया था, बगदाद में खलीफा होते थे और यह मुसलमानों के गुरु होते थे, जो कि फतवा जारी करते थे एक तरह से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान की उपाधि दी थी इल्तुतमिश को, वह खलीफाओं ने ही दी थी, बगदाद के खलीफाओं ने ही दी थी, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को सुल्तान कहा जाता है। तो यह बगदाद के खलीफाओं ने ही दी थी उपाधि, लेकिन इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। और इसीलिए एक व्यक्ति था, ठीक है, गाजी मलिक नामक एक व्यक्ति ने इसका फायदा उठाया और इसको पागल घोषित कर दिया और दिल्ली की जनता से कहा कि इस्लाम अब खतरे में है। गाजी मलिक नामक एक व्यक्ति ने इसको पागल घोषित कर दिया और कहा कि इस्लाम अब खतरे में है, क्योंकि इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है। तो दिल्ली की जनता ने गाजी मलिक का साथ दिया और इसकी हत्या कर दी, मिलकर के मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई। और गाजी मलिक ने ही आगे चल करके अब तुगलक वंश की स्थापना करेगा, ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना करेगा गाजी मलिक, और गद्दी पर बैठेगा और तुगलक वंश का स्थापना करेगा। किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करेगा गाजी मलिक। तो इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, गयासुद्दीन के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करेगा। और यह मुबारक शाह खिलजी जो था, एक अयोग्य शासक साबित हुआ खिलजी वंश का, ठीक है। तो सबसे महान शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी और उसी का बेटा मुबारक शाह खिलजी जो है अयोग्य शासक साबित हुआ। तो खिलजी डायनेस्टी यहीं तक है, अब आगे हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा लिख करके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएं, ठीक है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, ठीक है, तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसको वॉच कीजिए, ठीक है, और देखिए कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आप हमारे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है न्यू लाइफ क्लासेस के नाम से, इसी चैनल के नाम से ही हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी अकाउंट्स हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है, वहां पर कोई भी डाउट है आपको हमसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, डेली आपको क्लासेस वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं, और भी क्लासेस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चल के। चलिए तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।